Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers and students, assalamu alaikum. I am Faisal with a new topic, that is classification of dentoalveolar injuries. Classification of dentoalveolar injuries. Many systems are used for the description of dentoalveolar injuries, all of which have advantages and disadvantages. A relatively simple yet useful classification was presented by Sanders et al. The method is based entirely on a description of the injuries sustained during the traumatic episodes, describing the tooth structure involved, the type of displacement, and the direction of the crown and root fracture. As far as the classification is concerned, सबसे पहले इसमें आता है crown, graze or cracks. So cracks are incomplete fracture of the enamel विदाउट अ लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर. अगर आप इसी क्रैक्स में देख ले और क्रोन क्राइज में देख ले तो उसमें सिर्फ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है बट कोई पार्ट ऑफ द टूथ लॉस नहीं होता और कोई स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ लॉस नहीं होता. तो ऐसी कंडीशन को हम टूथ क्रैक्स और टूथ क्रेज कहेंगे. फिर आते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्रोन फ्रैक्चर. सो हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्रोन फ्रैक्चर में दो तीन पॉइंट्स हैं. या तो वो सिंपली कंफाइंड होगा टू द इनेमल, sometimes dentine भी involved हो सकते हैं, sometimes pulp भी involved हो सकते हैं, and it can be in horizontal or vertical direction, किसी both direction में हो सकती है, vertical direction में भी हो सकती है and horizontal direction में भी हो सकती है, oblique direction में भी हो सकता है. oblique direction में किस तरह होगा? अगर oblique direction में होगा तो उसमें mostly mesoincisal angle and distoincisal angle involved हो सकते हैं और depend करता है force पे के force और pressure कहाँ से exert होता है. So this is the diagram which shows a coronal fracture that involves enamel and dentine. इस डायग्राम में देख सकते हैं कि enamel and dentine completely हाफ इसमें लॉस हो चुका है. फिर है crown root fracture. So crown root fracture में mostly pulp involved नहीं होता, no pulp involvement, but sometimes pulp भी involved हो सकता है. अब आप टू डायग्राम्स है आपके सामने. A डायग्राम में there is no pulp involvement, but in B डायग्राम it shows pulp involved. के पल्प यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है. तो डिपेंड करता है फ्रैक्चर पे कि फ्रैक्चर की एक्सटेंशन कहाँ तक हो गई है. तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. सो देयर आर टू डायग्राम्स एंड फर्स्ट डायग्राम द टूथ आफ्टर एक्सट्रैक्शन शोइंग द फ्रैक्चर एक्सटेंडिंग एपिकली, क्रोन रूट फ्रैक्चर. आप देख सकते हैं इसमें कि क्रोन रूट फ्रैक्चर है, एक्सटेंड हो गया एपिकली रूट तक. एंड सेकेंड वन इज क्रोन रूट फ्रैक्चर इन प्रीमोलर. आप इसमें देख सकते हैं कि क्रोन रूट फ्रैक्चर हो गए. अब ऐसी कंडीशन में अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैनर में क्रोनली गया हो तो उसमें डेफिनेटली पल्प इन्वॉल्व होगा. सो ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द फ्रैक्चर पे. हॉरिजेंटल रूट फ्रैक्चर. हॉरिजेंटल रूट फ्रैक्चर में एपिकल थर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिकली रूट की बात हो रही है. एपिकल थर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है, मिडल थर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है, सर्वाइकल थर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है एंड कैन बी हॉरिजेंटल एंड कैन बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. सो जो थ्री एरियाज हैं, एपिकल थर्ड, मिडल थर्ड एंड सर्वाइकल थर्ड, ये एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ डायरेक्शन में भी हो सकता है. सेंसिटिविटी कंकशन. इंजरी टू द टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन सेंसिटिविटी to touch or percussion but without mobility or displacement of the tooth. अगर कोई supporting structures को अगर कोई injury हो तो ऐसी condition में tooth में कोई mobility ना हो, नहीं होगी but tooth में sensitivity होगी. tooth में sensitivity होगी. next one है mobility. mobility also called subluxation or looseness. injury to tooth supporting structure resulting in the tooth mobility but without tooth displacement. अब देखिए इसमें tooth mobility हो गई होगी but tooth displacement नहीं. displacement means कि उस जगह से दूसरी जगह तक एक चीज को मुंतकिल करना, this is called displacement. here are two words, two separate words, mobility and displacement. mobility means अगर कोई tooth supporting structure को अगर कोई भी injury हो तो उसमें mobility के chances है but displacement के chances नहीं है. ठीक है. टूथ डिस्प्लेसमेंट. टूथ डिस्प्लेसमेंट में फिर मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर सामने. इंट्रूजन है. इंट्रूजन क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ इन टू इट्स सॉकेट, यूजली एसोसिएटेड विद कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ सॉकेट.
मीन्स के टूथ डिस्प्लेस्ड हो गई है इन टू द सॉकेट, सॉकेट के दर के अंदर और भी, और ऐसी सिचुएशन में सॉकेट को क्योंकि सॉकेट पे प्रेशर आ रहा है तो सॉकेट में फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, और डेफिनेटली इस इंट्रूजन में सॉकेट इफेक्ट हो जाता है। एक्सट्रूजन पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ आउट ऑफ इट्स सॉकेट, पॉसिबली नो कंटेमेंट फ्रैक्चर ऑफ एल्वियर बोन। एक्सट्रूजन में पार्शियली डिस्प्लेस्ड हो गए टूथ आउट ऑफ सॉकेट, सॉकेट से बिल्कुल पार्शियली वो आउट हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूजन। अगर वो कंप्लीट आउट हो जाता है, कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सॉकेट, तो फिर ऐसी कंडीशन को हम एवर्जन कहते हैं और एवर्ल्स टूथ कहते हैं। लेबियल डिस्प्लेसमेंट, लेबियल डिस्प्लेसमेंट जब भी होगी तो डेफिनेटली एल्वुलर वॉल फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं इसमें, लेबियल डिस्प्लेसमेंट। सो लेबियल डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेटली एल्वुलर वॉल फ्रैक्चर होती है, लिंगुअल में भी सेम लाइक एल्वुलर वॉल फ्रैक्चर होती है, क्योंकि जब वॉल की फ्रैक्चर हो जाती है तो रेजिस्टेंस नहीं होती, डिस्प्लेस हो जाती है अपनी पोजीशन से। लेटरल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ इन मीजियल और डिस्टल डायरेक्शन यूजुअली इनटू अ मिसिंग टूथ स्पेस, एल्वुलर वॉल फ्रैक्चर प्रोबेबल। इसमें भी एल्वुलर वॉल की फ्रैक्चर हो जाती है, बट अगर कोई स्पेस हो टूथ को तो टूथ मूव कर जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम इट्स ओन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन जहाँ पर कोई टूथ नहीं होता। रेडियोग्राफ्स ऑफ एक्सट्रूडेड टूथ बिफोर एंड आफ्टर रिपोजिशनिंग एंड स्टेबलाइजेशन विद एसिड एच कंपोजिट टेक्निक्स। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गई है पार्शियली, आप इसमें देख रहे हैं पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो इसी कंडीशन में इंट्रूजन एंड एक्सट्रूजन हो गई है यहां पर, तो उसको फिक्स किया जाता है, रिपोजिशन किया जाता है, एंड इसके बाद फिर स्टेबलाइज किया जाता है बाय यूज ऑफ एसिड एच। पहले इसको रिपोजिशन करते हैं, अपनी पोजीशन में ले जाते हैं, देखें अपनी पोजीशन में ले जाते हैं, फिर एसिड एच कंपोजिट टेक्निक के साथ उसको लाइक आप ये कह सकते हैं स्प्लिंटिंग के जरिए उसको फिक्स करते हैं कि वो अपनी जगह पर स्टेबलाइज रहे और उधर प्रॉपरली हीलिंग हो। एवर्जन, एवर्जन मीन्स कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ फ्रॉम इट्स सॉकेट, इट मे बी एसोसिएटेड विद एल्वियर वॉल फ्रैक्चर। टूथ कंप्लीटली रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सॉकेट एंड इसमें भी एल्वियर वॉल फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। एल्वियर प्रोसेस फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द एल्वियर बोन इन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ अ टूथ आर टीथ। नो मैटर टूथ हो या ना हो, बट एल्वियर वॉल की फ्रैक्चर, यू कैन से एल्वियर बोन की फ्रैक्चर को हम एल्वियर फ्रैक्चर कहते हैं। Thank you, dear viewers and students. That was a session about classification of dento-alveolar injuries.